अभी ऐसा हो गया है कि रांची में भी रहने के बाद फील हो रहा है कि भैया आप इन लोग अभी आ चुके हैं दिल्ली मुंबई। मैं दिल्ली में काफ़ी साल रहा हूँ और ये ट्रैफिक देख के मुझे लग रहा है कि फिर से मैं वापस वहीं आ गया और मेरे को नहीं जाने वाला। हाँ, मेरे को उधर नहीं जाने का ब्रो, मेरे को रांची में रहने का ब्रो। है ना, है कि नहीं, है ना, है ना, है ना। अच्छा, अजा पिया तुहे प्यार दूँ, ये न्यू वीडियो निकल चला है लंदन की तरफ। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं लंदन, बोले तो मिनी लंदन। ये मिनी लंदन किधर है और कैसे जाना है, आज लॉन्गेस्ट टूर होने वाला अपना, समझ जाओ कितना लंबा टूर। मतलब बाइक वाइक उड़ा देने वाले हैं आज हम लोग हवा हवा में, क्योंकि अपने लोग को जाना लंदन। तो जहाँ तक रोड है रोड है, उसके बाद तो बेटा उड़ेंगे ही, पंख वंख लगाएंगे एकदम वैसा उड़ी उड़ी। हाँ, आज जा तुझे ले कर चलूँ अपाची में उड़ी उड़ी। उसकी गंज जिसको बोलते हैं मिनी इंग्लैंड। अब मिनी इंग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है, जहाँ तक मुझे पता है ये शहर ये कस्बा 1930 लगभग 1930 में बसा था। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं चांदू और यहाँ से राइट टर्न लेना है अभी खलाड़ी वाले रोड में। चाय साय पियेंगे फिर दिख लेंगे। Few moments later. तो चाय वाय हो गया ओवर और निकल के चले हैं हम लोग फिर से महकूस की गंज की तरफ। यहाँ से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर है चांदो से, राइट टर्न जाता है। जाओगे शेर है, शेर शेर है, शेर जंगल में। खलारी, चंदवा, छतरा और महकूस की गंज 15 किलोमीटर। कहा जाता है कि कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के थ्रू अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लूस्की नामक एक एंग्लो इंडियन ने 10,000 एकड़ ज़मीन रातू महाराज से लीज पे लेकर लगभग 365 बंगले इस उन्होंने बनवा के अपने समुदाय के लोगों को इस खूबसूरत जगह पे बसाने का कोशिश किया था। तो अब वहाँ चलते हैं फिर पता करते हैं। पहुँच गए हैं हम लोग महकूसकी गंज, बट अभी हम लोगों को जाना है सबसे पहले महकूसकी गंज रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन किधर है, किधर से जाएगा रास्ता? बड़ा हॉस्टल है यार यहाँ पे, बड़ा हॉस्टल है। चलो यहाँ कुछ देखने लायक ना है, दूसरे जगह चलते हैं। हम लोग देगा देगी नदी की तरफ। ये भी एक कॉटेज है देख रहे हो। यही जगह पे इसको यहीं छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं नीचे। आ जा,
संभल के आना दोस्त। सिर्फ बालू है देखने के लिए यहाँ पे, चलते हैं कहीं और। अरे छोटू सर, ये यही है कि ये 1930 में बना हुआ ये घर है, सोचो अभी तक सारा इतनी मजबूती से है। वाहन देखकर यहाँ पे पहले गाड़ी वाड़ी था, अभी सब भटक। चलो देख के आते हैं क्या क्या चीज है। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. पुराने जमाने का टूटा फूटा टेबल है और चेयर वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे। छोटू फोड़ के रख गया है। सो ये उस समय की पाठशाला है जब एग्लो इंडियंस यहाँ रहते थे और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। छत पे चढ़ा जाए। छत पे चेयर वगैरह लगा पड़ा हुआ है। तो छोटू कैसा लग रहा है आके? मजा आ रहा है ना? अभी और मजे लेने वाली बहुत सारी जगह है। देख ये क्लासरूम ही है। ये रचना मैम का क्लास है। सिर्फ मैम लोग? ये रुचि मैम का क्लास है। रश्मि, रुचि और रचना सब आर आर से ही है। गुरु माता क्लास लेती होंगी। हाँ भैया, भैया इधर आरएसएस वाला भवन किधर है? इधर यहाँ घूमने का है? ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है तेरा यहाँ पे आके? मज़ा आया? और हमको ऐसा फील हुआ कि मतलब पुराना बंगला है यहाँ पे देखने के लिए और कुछ खास नहीं है देखने के लिए यहाँ पे। सर्वधर्म स्थल, सारे धर्म के लोग आ सकते हैं सर्वधर्म स्थल। ये है सर्वधर्म स्थल। आइए अभी हम लोग चलते हैं अंदर मंदिर और मस्जिद सारे जगहों पे चल के देखते हैं, और पहले चल के देखते हैं फिर आगे की बातें आगे करेंगे। काफी टाइम के बाद
मैक्लूस्कीगंज से लगभग 8 किलोमीटर पीछे हम लोगों को ऐसा जगह मिला है, सर्वधर्म स्थल। ये रहा मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा। सो ऐसा कुछ यहाँ का सीन है कि सारे धर्म के लोग आओ, अपने अपने धर्म के मंदिर में जाओ और पूजा करो, है ना छोटू? देख के क्या समझ में आ रहा है? एकता का परिचय दे रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। सारे रिलीजन को एक साथ कंबाइन करके हमें चलना है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के, मतलब सब रिलीजन को यहाँ आप परमिशन है कि आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन पर, कास्ट पर, क्रीड पर। आप आए, इंजॉय करें, बहुत शांति है। और लगभग रांची से 60 किलोमीटर दूर है। देखने वाली, सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि झारखंड में अपना एक ऐसा जगह है जो सर्वधर्म स्थल है, जो सारे धर्म के लोगों को मिलाता है। और मंदिर में आने का रास्ता भी एक ही है, सिंगल रास्ता है, उसी से आपको इन करना है। और मंदिर मस्जिद हालांकि अलग अलग हैं, बट ये शांति का प्रतीक भी है। और टूरिस्ट प्लेस के तौर पे अगर देखा जाए तो इसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सारे एक जगह पे हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जगह बनाया गया है, ये एक आदमी ने ये जगह को बनाया है और एक ही आदमी के द्वारा इन चारों जगहों का साफ़ सफाई और देखभाल होता है। तो इंडिया में लगभग ना के बराबर सर्वधर्म स्थल है जहाँ पे सारे धर्म के लोग जा सकते हैं। अगर इसका अच्छे से देखरेख किया जाता है, अच्छे से इसको रखा जाता है, तो टूरिज्म बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इसका बेनिफिट लोकल गांव वालों को भी मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग आएंगे तो इनकी रोजी रोटी थोड़ी सी बढ़ेगी। बेसिकली जो भी देख रहे हैं वीडियो, एक बार आप लोग आओ, आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा। शांति मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है, जो आजकल मतलब लोग लाखों खर्च कर देते हैं शांति के लिए, वो मिलती नहीं है ज़िंदगी में। तो वो तो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी बहुत तो यहाँ आप लोगों को मिलनी जाने वाली है। तो एक बार जरूर